नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपने खुद के नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा। पॉक्सो कोर्ट सख्ती के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, जिसमें कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी से 2 सालों तक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। हम बता दें कि नाबालिग गर्भवती हो गई थी, जिसकी वजह से उसका पेट फूल गया, जिससे घटना की भनक नाबालिग की चाची को लगी। पिता ने नाबालिग को गर्भपात की दवाई भी खिलाया था। नाबालिग की चाची द्वारा नाबालिग को चाइल्ड लाइन ले जाया गया, जहां बाल कल्याण समिति जानकी ने नाबालिग का कथन दर्ज कर उसे सखीवन स्टाफ सेंटर में काउंसलिंग के लिए ले जाया गया। सखीवन स्टाफ सेंटर ने घटना की शिकायत 2 मार्च 2020 को सख्ती थाना में कराई गई थी। सख्ती पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया और अभियोग पत्र पॉक्सो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सख्ती में पेश किया, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट सख्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने आरोपी को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ जानकी नवगढ़ राजा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। जी, क्या मामला बताएंगे? यह गंभीर मामला है। माननीय विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी के न्यायालय द्वारा आरोपी पिता द्वारा अपने ही पुत्र के साथ बलात्कार करने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई है। मामला यह है कि 2 वर्ष तक आरोपी पिता ने अपने पुत्री के साथ ही बलात्कार किया, जिससे वह गर्भवती हुई। मामला तब प्रकाश में आया जब उसके पेट बड़े होने लगे, तो उसकी चाची ने पूछी। नाबालिग अभियुक्त्री ने अपने चाचा को बताया घटना के बारे में। तब उसके चाची चाचा ने उसे चाइल्ड लाइन के पास लेकर गया। चाइल्ड लाइन द्वारा उसे बाल कल्याण समिति जांजगीर के पास लेकर गया, जहां उसकी कथन दर्ज किया गया। तत्पश्चात उसे सखीवन स्टाफ सेंटर के पास लेकर गया, जहां उसकी काउंसलिंग हुई और कथन लेखबद्ध किया गया। उसके पश्चात उसकी जो है FIR थाना शक्ति में की गई और थाना शक्ति द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जांच की गई और उसके पश्चात जो है आरोपित अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त पिता के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जहां विचारोपरांत आरोपित अपराध अभियुक्त के खिलाफ साबित होने पर माननीय विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, साथ ही 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा न्यायालय ने अपने टिप्पणी में बताया है कि यह विरलतम से विरल मामला है, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्री के साथ ऐसा घटना नहीं कर सकता, इसलिए सजा के मामले में इसमें किसी प्रकार की नरमी नहीं बरता जा सकता। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।